स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज भेल ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी है। स्टॉक लगभग 14.97% चढ़कर आज 66.45 पर बंद हुआ है। तो अब इसका अगला टारगेट क्या होगा? क्या हम अभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं? अगर फॉल होता है तो यह कहां सपोर्ट लेगा? जानेंगे यह सब इस वीडियो में आगे। उससे पहले बात कर लेते हैं हम उन कुछ कॉल्स की जो हमने अपने प्राइवेट चैनल पर प्रोवाइड कराया था। हमने जील का 200 का ऑप्शन कॉल दिया था जिसमें कि एंट्री हमारी 5.926 पे थी, जो कि आज बढ़कर लगभग 8 रुपए की हो गई थी। हमने पिछले वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसका भी कॉल हमने ऑप्शन का 320 प्रोवाइड कराया था, जिसकी एंट्री हमने 7.9 से 8 के बीच रखा था। आज यह लगभग बढ़कर 13 के आसपास चला गया था। एक और ऑप्शन कॉल हमने दिया था मदर सुमी 230 CE का, जिसकी हमने एंट्री 6.1 पर रखा था, जो कि आज बढ़कर आप देखेंगे लगभग 14 हो गया था, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। हमने अपने चैनल पर कुछ स्विंग ट्रेड भी प्रोवाइड कराए थे जिन्होंने आज अपना टारगेट हिट किया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, HSIL, इसने आज अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया, और वहीं कोल इंडिया ने भी आज अपना टारगेट हिट किया। और आज हम बात करने वाले हैं भेल की, जिसकी भी कॉल हमने आज अपने चैनल पर प्रोवाइड कराई थी जब यह ब्रेकआउट दे रहा था, जिसकी एंट्री हमने 60 रुपये पर रखी थी और जिसका टारगेट हमने 75-80 दिया हुआ है। अगर आप भी लाइव मार्केट में जुड़कर हमारे साथ ऐसे कॉल लेना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल शेयर मार्केट ट्रेडिंग कॉल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ हम आपके लिए ऐसे ही लाइव मार्केट में ये सारे कॉल प्रोवाइड कराते रहते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ हम हमारे सारे कॉल्स की डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए एक बार फिर से अब हम चलते हैं भेल पे, जो हमारा आज का टॉपिक था। ये मैंने भेल का चार्ट ओपन कर लिया है और जहाँ ये आप रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, तो चलिए हम इसका पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस लाइन हमने क्यों ड्रॉ करके रखा था और इसे क्यों अपने रडार पे लगा रखा था। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम इसे मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। तो जब आप देखेंगे तो इस मंथली टाइम फ्रेम पे पहले यह स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा था, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ सपोर्ट लिया, और उसके बाद ये ब्रेक करके नीचे आ गया था, और यही सपोर्ट अभी तक एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर आप इसे वीकली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो इसी लेवल पे ब्रेकआउट के नीचे आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लगा था, और वापस पिछले सप्ताह भी यहीं से इसमें रेजिस्टेंस लगा था। अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो परसों वाले सेशन में भी इसी लाइन से इसने रेजिस्टेंस लिया था, तो हमें बस इसी बात का वेट करना था कि जैसे ही ये इस वाले कैंडल यानी कि परसों वाले कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, हमें एंट्री ले लेनी है। इसीलिए जो हमने ग्रुप में एंट्री लेवल दिया था वो 60 का दिया हुआ था, तो जिन्होंने 60 से एंट्री ले ली उनका तो ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। अब जिन्होंने एंट्री नहीं लिया हुआ है उनके लिए क्या टारगेट हो सकता है, तो चलिए वो जान लेते हैं। हम एक बार फिर से वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो अब जो हमें इसमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो हमें इस लेवल पे लग रहा है 70 के आसपास, और अगर 70 ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसमें आसानी से 75 और 80 का लेवल भी देख सकते हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो ये आपको 90 से 100 का भी लेवल आपको दिखा सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप इसमें हम फिर से एंट्री की बात करें तो अभी एंट्री लेना सही होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा कल के मार्केट के ऊपर। अगर कल ये गैप अप खुलता है तो फिर से ये ऑलरेडी आई थिंक 70 के आसपास ओपन ना हो। अगर कल मार्केट में किसी तरह की करेक्शन आती है तो हो सकता है कि ये वापस से सपोर्ट टेस्ट करने आए और उसके बाद फिर से ये अप मूव ले। तो अगर ये वापस से सपोर्ट लेने आता है तो हम इसमें फिर से 60 का एंट्री रख सकते हैं या 66 का भी। तो यस, अभी हम इसमें फिर से एंट्री ले सकते हैं, जिसमें कि हम 70s का टारगेट और 75 का टारगेट आते हुए हमें दिख रहा है। और अगर ये सारे लेवल ब्रेक होते हैं तो 80 और 80 प्लस भी हमें बहुत जल्दी स्टॉक में दिखाई दे देगा।